नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने यह हमेशा देखा है कि जब भी कभी आप लोग हमारे इस एनालिसिस को ज्वाइन करते हो, मार्केट के में अपनी व्यूज को सामने रख के चलते हो, तो हम लोग ना मतलब कुछ एक इतना बढ़िया सा कुछ निकाल के लेकर आ पाते हैं कि मार्केट का डेटा हमारे को काफी बखूबी समझ आ जाता है। देखो दोस्तों, ऑप्शन चिन्ह को रीड करके मैंने आप लोगों को चार्ट को समझते हुए FIJS के डेटा का एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के सामने कुछ लेवल्स को अपडेट दिया था। दोस्तों, मेरे लेवल थे 22045। किस्मत की बात देखिए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगा रखा है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन आपको 22045 में मिलेगा। आप लोगों को जरूर देखने चाहिए वो सारे एनालिसिस एक सिक्वेंस के अंदर, जो मैं आपको रिजल्ट डे से अपडेट करके चल रहा हूँ कि 2024 की ये क्या नई नई पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। दोस्तों, जब आप इसको देखोगे तो 22045 के पास मार्केट का आधा आधा घंटे के बाद का कंसोलिडेशन, और यहाँ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में निचले लेवल से आने वाली बाइंग, इसका मतलब था कि ये मार्केट इस जगह के पास से मार्केट पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे करके बुलिश होते चले जा रहे थे। मतलब या तो बेरिश पोजीशंस क्लोज हो रही थी या न्यू पोजीशंस ऐड हो रही थी। मतलब जिन लोगों ने मार्केट को इस जगह पर कहीं खरीदा होगा, नीचे जाकर उन्होंने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया, और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को सेल करा होगा, नीचे से मार्केट में उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर करना स्टार्ट किया। देखो दोस्तों, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा और आपकी समझ में मेरी बातें आएंगी। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन कहती हैं, मार्केट को 2024 में 23,000 ऊपर निकलने के बाद 23,000 के ऊपर ही रहना चाहिए, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। 23,000 के ऊपर अगर मार्केट बुलिश है, तो मतलब 23,000 के ऊपर 23,000 का एक लेवल बनने के बाद मार्केट की एक नई चाल शुरू होगी, निफ्टी की एक नई चाल शुरू होगी, बाजार की एक नई चाल शुरू होगी। 22045 के लेवल के इस कंसोलिडेशन ने काफी हद तक इसको समझाया भी। दोस्तों, इसके साथ मेरा मानना यह था कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर इसको लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 22573 के पास, मतलब 22568 का लेवल है, 22568 के पास जाकर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट में देखिए, एक कैंडल ऊपर निकलती है और लास्ट के आधा घंटे के अंदर मार्केट में एग्जैक्टली इसी लेवल के पास में प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, मार्केट का इसी लेवल के पास क्लोज होना हमें दर्शाता है कि ये जो जोन है, ये जोन एक सप्लाई जोन है। मार्केट में इस रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन नहीं होता है और एक ही स्ट्रेस में अगर ऊपर निकल गया, तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू बेस नहीं बना, मार्केट यहाँ वापस से रिट्रेस कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, मतलब टाइम वाइज जितना करेक्शन हमें इस जोन के अंदर देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर 23,005 उतने बड़े रेजिस्टेंस की तरह निकल कर आएगा। और एक बार इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद, इसे एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के टूटने के बाद, मार्केट में 23,000 एक इम्पोर्टेंट बेस बनकर आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को अगर लंबे समय तक 2024 के अंदर 23,000 के ऊपर ही रहना है। और देखो दोस्तों, मैं इस एनालिसिस को कॉन्टिन्यूसली डेली करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आने वाले वक्त में इसको ना स्टडी करके देखना चाहता हूँ कि मतलब कि जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, उनमें कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे मार्केट के साथ अलाइन हो पाए, मतलब मार्केट को सही समझ पाए, और कितनी ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे को हर का सामना करना पड़ा, मतलब हमारे वो फेलियर्स का रीजन रहे। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी कुछ रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ऑब्जर्व करो, और हमेशा पिछले एनालिसिस को इस एनालिसिस के साथ अटैच करके चलता हूँ, आप मुझे भी अपडेट करके चलो। तो दोस्तों, मार्केट को इस लेवल के अंदर, मार्केट को अगर एक लंबे समय तक 23,000 के ऊपर रहना है, तो अभी एक टाइम वाइज करेक्शन देना चाहिए, मतलब इसको काफी समय इसके अंदर बिताना चाहिए इस रेंज के अंदर, मतलब यहां से ऊपर जाएगा, यहां से सेल ऑफ आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से वापस नीचे आ गया और इस जगह पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, दोस्तों मार्केट के लिए मेरा तब बेरिश होगा, मतलब मार्केट एक बड़े करेक्शन का वेट कर रहा है, और मार्केट में जब तक एक बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, मतलब वीक प्लेस मार्केट के अंदर अभी है, और वीक प्लेस को मार्केट पहले बाहर निकालता है। जब मार्केट वीक प्लेस को बाहर निकालता है, तभी मार्केट एक नई चाल पकड़ता है, और मेरे अकॉर्डिंग आने वाला जो समय है नई चाल को पकड़ने का है। तो मार्केट के अंदर ये करेक्शन मतलब बनता है अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाता है, मतलब 22573 के नीचे या 22568 के नीचे मार्केट अगर आ जाता है, तो मार्केट के अंदर करेक्शन अभी बचती है, मतलब मार्केट से वीक प्लेस अभी आउट नहीं हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लगता था कि मार्केट से वीक प्लेस आउट हो गए होंगे, यहाँ उन्होंने मार्केट ने बहुत अच्छा मौका दिया। ये जो 30-30 मिनट की कंसोलिडेशन है, कहीं ना कहीं समझाती थी कि मार्केट में अब जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो 22568 के पास आएगी, और इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट को कहीं 23005 के बीच में कंसोलिडेट करना चाहिए। दोस्तों, हैरानी की बात जो थी मार्केट के अंदर, वो थी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से किसी को उम्मीद नहीं थी एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आज जब मैं मार्केट को देख रहा था, तो मतलब मार्केट में कुछ मेरी पोजीशंस थी, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मेरे पास एक 49300 की
पुट सेल पोजीशन में फंसी पड़ी थी। मेरे पास 49,200 की पुट भी थी जो बाय पोजीशन में फंसी पड़ी थी। दोस्तों की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि 49,300 की पुट में जो सेल पोजीशन में थी उसके अंदर मेरा ना मतलब लॉस कम होना शुरू हुआ, और उसके अंदर मेरा लॉस कम होना शुरू हुआ तो मतलब एक जगह से मेरा प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बात है कम होना शुरू हुआ। तो अब मैंने क्या करा, अपनी पोजिशन को कुछ इस तरीके से शिफ्ट किया कि मैं एक पुट से मतलब अगली एक्सपायरी में चला गया था और यहाँ पर आपके पास मैं मतलब एक पुट का मेरा लॉस कम होना शुरू हो गया था। दोस्तों मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि कोई बात नहीं, तो अगली एक्सपायरी की पोजीशन है, बड़े आराम से सब कुछ चलता रहेगा और इतना इतना तो क्या ही फर्क पड़ता है, और ये मेरा बस इसका पुट का लॉस निकल जाए उसके बाद तो मार्केट नीचे आ ही जाएगा। दोस्तों किस्मत की बात देखो, मार्केट ने जब उठना शुरू हुआ तो उसके बाद मैंने अपनी 49,300 की पुट की जो लॉस की पोजीशन जिसके अंदर लॉस थोड़ा कम होना शुरू होता तो आधे लॉस को खत्म होती मैंने उसको काट दिया। मैंने कहा इतनी बड़ी रैली मार्केट में कहाँ ही आ पाएगी। और दोस्तों उसके बाद मार्केट के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो देखिए मतलब ये एक मतलब कई बार आपको कितनी भी नॉलेज हो जाए लेकिन मार्केट जो है ना मार्केट किंग है। मार्केट ने अपना हाई जो बनाया 49,362 का ही बनाया। दोस्तों आधे लॉस में मैं उससे निकल गया था और फिर उसके बाद जब ऊपर की तरफ गई तो आप ये समझोगे कि जिस पुट को मैंने बाय कर रखा था वो कितनी तेजी से टूटी होगी, तो उसके अंदर भी मेरा लॉस था। तो नेट मिलाकर जो मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में चल रहा था, मुझे एट द एंड ऑफ द डे बस केवल आपके पास अपनी इस जल्दबाजी की वजह से एक लॉस मतलब आधा लॉस बुक करना पड़ा सेल पोजीशन में, और आधा से ज़्यादा जब लॉस उसके अंदर हो गया 70% के 50-60% के आसपास जब उसमें लॉस हो गया सेल पोजीशन बाय पोजीशन में, तो मुझे उसको भी लॉस में काटना पड़ा। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब ना थोड़ा सा मतलब लगा कि मतलब ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा समझा के चलूँ कि मार्केट के अंदर जब भी कभी हम लोग बैठे होते हैं तो हमें पहले अपना एक व्यू कायम करना पड़ता है कि हमारा व्यू क्या है, और हमें ये बिलीव करना होता है कि मार्केट हमारे इस व्यू के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो हमें अपनी पोजीशन को अपने व्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अब हो सकता है मार्केट हमारे सपोर्ट में हो और हो सकता है मार्केट हमारे सपोर्ट में ना हो। अगर मार्केट हमारे सपोर्ट में नहीं है तब हमें मार्केट के अंदर अपने नए नए प्लान्स नहीं बनाने, नई स्ट्रेटजी मार्केट में जाकर नहीं बनानी, स्ट्रेटजी पहले से तैयार करके लेकर जानी कि हम ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे और ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अब इस कंडीशन में आप अगर समझ के चलो मतलब यहाँ पर अगर आप इसको देख के चलो कि ठीक है मैंने इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था मतलब और 49,300 जो मेरे पास में पुट थी उसमें प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था, लेकिन जो अगली एक्सपायरी की मैंने जो पुट ली थी वो बहुत महंगी खरीदनी पड़ी और वो टूटी भी बहुत ज़्यादा और इसका मेरे को लॉस भी सारा बुक करना पड़ा, तो मतलब वो जो कमाया हुआ प्रॉफिट था वो सारा का सारा मुझे मार्केट में एक लेवल पर जब उससे बड़ा मेरा लॉस होने लगा तो मुझे उसमें पोजिशन को काट के जाना पड़ा। तो मतलब ये एक लेसन भी है आज का जो मैंने सीखा, वो ये कि यार आपने अपनी पोजिशन में मार्केट में मतलब अपना ना अपना जो आपका व्यू है आप उस व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में अपनी पोजीशंस में, और जैसे ही आपके पास में आपको ऐसा लगता है कि यार मार्केट में कुछ और चेंज है आप ना व्यू में चेंज करो, आप पोजीशंस को आउट हो जाओ, आप पोजीशन से पूरी तरह बाहर निकल जाओ, आप कोई मतलब अपने व्यू के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है तो करो वरना मत करो, रादर देन इसके कि मार्केट में जाकर आप अपना व्यू चेंज कर रहे हो, मार्केट में जाकर आप अपना व्यू बना रहे हो और फिर उसके बाद में मार्केट के अंदर नई नई पोजीशन क्रिएट करके आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, जो मैं आज के दिन में सीख पाया। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था जिसे आपको सीखना चाहिए समझना चाहिए। मैं से फिर ये कहूँगा मेरा मकसद आपको साथ में अपनी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर करना है, एक भी जगह पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा डेटा अगर मैं आपको FIs का दिखाकर चलूँ तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट में आज FIs ने अपनी सेल की पोजिशंस को इनिशिएट किया है, 26,668 करोड़ की पोजीशंस को ये क्लोज करके गए और 21,012 करोड़ की पोजीशंस को तकरीबन उन्होंने अपनी ओपन किया। तो आप पूरी समझ सकते हैं कि किस जगह पर जाकर उन्होंने सेल की पोजीशंस को इनिशिएट किया होगा और किस जगह पर उन्होंने अपने बाई की पोजीशन को इनिशिएट किया होगा कि नेट मार्केट से अपने आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशन में उन्होंने बाहर निकाला होगा। दोस्तों इस समय पर बड़ी डेटा हमारे पास में सेल का निकल कर आता है, FIs की सेलिंग तकरीबन 11,241 करोड़ की हो चुकी है जून सेशन में, और यहाँ पर अगर इसकी सपोर्ट में DIC बाई देकर चलेंगे 3150 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं उथ सेरेमनी से पहले मार्केट के अंदर फिर से स्विंग्स आ सकते हैं और ये स्विंग्स का टाइम है, तो कहीं ना कहीं हमारे को मार्केट के इस स्विंग के अंदर अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं और हमारे को उनको लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें उसके अंदर प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. The registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors and certification from NISMA in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on
गौरव सर डॉट इन, आप सभी डिस्क्लेमर्स को गौरव सर डॉट इन वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द